वेलकम टू टेक्निकल तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं इंग्लिश के कुछ एडियम्स को जो कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा वीडियो हेल्पफुल होती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स मैंने समय गंवाएं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला वर्ड है हमारा क्लोज टू होम जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं क्लोज टू होम क्लोज टू होम इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है रिमार्क और कमेंट विच इज सो ट्रू और इट अफेक्ट सो डायरेक्टली डेट सम वन फील्स अनकम्फर्टेबल हिंदी में इसका अर्थ होता है किसी बात का इतना सही या सटीक होना कि उसके चलते किसी को असहज महसूस करने लगे ठीक है इसके एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि सौरभ लुक्स इम्बेस्ड अविनाश कमेंट मस्ट हैव बीन क्लोज टू होम यानी कि उसे जो है काफ़ी एम्बेरसिंग फील हो रहा है सौरभ को क्योंकि अविनाश के कमेंट से नेक्स्ट है हमारा चीज ऑफ जिसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउंस करते हैं चीज ऑफ इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है समवन इज अनोइ बोर्ड और फ्रस्ट्रेटेड विथ समथिंग हिंदी में इसका अर्थ होता है किसी का किसी वजह से नाराज या उदासीन होना इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं अमृता इज ऑफ हर जॉब ठीक है नेक्स्ट है हमारा cork up जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं कॉर्क अपथिंग कॉर्क अप सम इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है सम वन इज फेल टू शो और एक्सप्रेस अबाउट समथिंग इसका हिंदी में अर्थ यह होता है किसी चीज को लेकर खुद को व्यक्त करने में असफल होना इसको एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं इट वुड बी बेटर इफ ही शुड हिज जॉय ऑन स्टेज डिड इन कॉर्क इमोशन यानी कि वो अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहा है है हमारा कॉर्क टू क्विक कट टू क्विक जिसे हम प्रनाउंस करेंगे कट टू क्विक कट टू क्विक इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हर्टिंग सम वन फीलिंग्स और ऑफ डेम डीपली इसका हिंदी में अर्थ यह होता है किसी की भावनाओं को आहट करना इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं अक्षयवास कट टू क्विक वेन टीचर एक्सप्रेस डाउट अबाउट हिज सिंसेरिटी नेक्स्ट है हमारा कैरी द टॉर्च फॉर सम वन जिसके इंग्लिश को हम प्रोनाउंस करेंगे इसमें प्रोनाउंस करेंगे कैरी डॉर्च फॉर सम वन इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर सम वन विध होम यू डू नॉट और कैन नॉट हैव रिलेशनशिप किसी से आप इतना ज्यादा प्यार करते हो जिसके साथ आपका कुछ भी रिलेशनशिप नहीं हो सकता है हिंदी में अर्थ आप समझ लीजिए किसी से गहरा लगाव होना जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है या नहीं हो सकता है इसके एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं नील ओबरॉय हैज बीन कैरिंग द टॉर्च फॉर मिनी सिंस देयर college days before she settled abroad. Next day Mara